तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस स्टोरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी के घनानंद जी से रिलेटेड। एग्जाम में लगभग जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, तो आपको वीडियो को पूरी देखना है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि घनानंद जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छे से करना होगा और समझना भी होगा अच्छे से। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर ऑप्शन एक है आगरा, बी नंबर बुलंदशहर, सी नंबर हरिद्वार, डी नंबर बनारस। तो शायद मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी यही वाली घनानंद जी से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे, लेकिन आप लोग शायद उसे भूल गए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी दिन पहले अपलोड की थी। तो मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोगों तक रिपीट करा दूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किए थे, जिससे आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है, रिमाइंड हो जाए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद का जन्म हुआ था बुलंदशहर में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद जी के गुरु का क्या नाम था। नंबर एक वृंदावन देव, बी नंबर हरिनाम, सी नंबर नरिहरदास, डी नंबर कबीरदास। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वृंदावन देव, ठीक है। घनानंद जी के गुरु का क्या नाम था, वृंदावन देव, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि घनानंद की प्रथम वर्ग की रचनाएं किस छंद में है। नंबर एक चौपाई, बी नंबर दोहा, और सी नंबर कवित सवैया, और डी नंबर सोठा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद की जो प्रथम वर्ग की रचनाएं हैं वो कवित सवैया हैं, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गिरी गाथा किसकी कृति है। ऑप्शन एक है ठाकुर, बी नंबर घनानंद, सी नंबर रसखान, डी नंबर है देव। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरी गाथा जो है वो घनानंद की रचना है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से समझिएगा। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मेहनत के साथ मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और आप तक प्रोवाइड करता हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर की हेल्प करें, यानी कि आप लोग वीडियो को पूरी देखें, सही से समझें और कमेंट में कुछ ऐसा लिखे जिससे मुझे भी मोटिवेशन फील हो और मैं आगे आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि घनानंद किस जात से संबंधित हैं। घनानंद किस जात से संबंधित हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि घनानंद का संबंध किस जात से है, ठीक है। नंबर एक क्षत्रिय, सॉरी ऑप्शन नंबर एक है अवस्थी, बी नंबर क्षत्रिय, सी नंबर है कायस्थ, और सी डी नंबर है ब्राह्मण। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर कायस्थ, ठीक है, कायस्थ बी नंबर, सॉरी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है घनानंद जी किसके उपासक थे। नंबर एक राधा कृष्ण, बी नंबर सीताराम, सी नंबर बुद्ध, और डी नंबर है उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त सभी। तो घनानंद जी राधा कृष्ण के उपासक थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में कृष्ण कौमुदी किसकी करती है। तो आज की इस वीडियो हम घनानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्ण कौमुदी जो है वो घनानंद जी की कृति है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घनानंद जी रीत काल के कौन सी धारा के कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ समझिएगा, सही से समझिएगा। ओके, ऑप्शन एक है अलंकारबद्ध, बी नंबर रीत मुक्त, और सी नंबर है रीत सिद्ध, और डी नंबर रीत बद्ध। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद रीत काल के रीत मुक्त धारा के कवि थे। ओके, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम था। नंबर एक कृपाकांड, बी नंबर सूजन, सुजान सागर, बी नंबर विरह लीला, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद को अमर करने वाली जो रचना है उसका नाम है सुजान सागर, ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये है कि
निम्न में घनानंद जी किसके यहाँ दरबार में मीर मुंशी थे? ऑप्शन है शाहजहां, बी नंबर है अकबर, सी नंबर मोहम्मद शाह रंगीले और डी नंबर है जयसिंह। तो जो घनानंद जी थे वो मीर मुंशी जयसिंह के यहाँ थे, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनानंद की कितनी रचनाएं प्राप्त हुई हैं? घनानंद की कितनी रचनाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है एक है 8, बी नंबर 6, सी नंबर 2 और डी नंबर है 5। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र ने घनानंद के पदों की संख्या कितने मानी है? तो ऑप्शन एक है 1500, बी नंबर है 1700, सी नंबर है 1057 और डी नंबर है 1250। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र जी ने घनानंद की जो पदों की संख्या मानी है वो मानी है 1057, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से ब्रज व्यवहार किसकी रचना है? नंबर एक है आलम, बी नंबर है गंग कवि, सी नंबर घनानंद और डी नंबर है बल्लभ। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रज व्यवहार, वो घनानंद की रचना है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरे वीर पौने सबे और गौन बीरी पंक्त में गौड का शब्दार्थ क्या है? जो ये पंक्त दी गई है, ठीक है, ये इतनी, ये किसकी है? घनानंद की है। ठीक है, और इसमें जो गौन है ये, इसका शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अरमान, बी नंबर है गमन, सी नंबर है तड़प और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो गौन का शब्दार्थ है या अर्थ है वो है गमन, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, गमन। ओके, इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, और इस एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उसमें से क्वेश्चन होगा और उसमें चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, जिन लोगों का एग्ज़ाम ओमार सीट पे होना है उनके लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, जो राइट होगा उसको आप लोगों को फिल करना होगा। ठीक है, गोला करना होगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, एक ऐसे ही होगा, दो तीन और चार, जो राइट होगा यहाँ पर एक दो तीन या मार्किंग की हो गई, जो होगा जैसे दो राइट आंसर, तो दो को आपको फिल करना, गोला कर देना है ब्लैक या ब्लू पेन से। ठीक है, फिलहाल जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पूरा डिटेल बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है भावना प्रकाश किसकी कृति है? नंबर एक सूरदास, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर तुलसीदास और डी नंबर घनानंद। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा घनानंद, भावना प्रकाश घनानंद की रचना है। ओके, अगला क्वेश्चन है घनानंद का जन्म कब हुआ था? अभी तक आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था, अब क्वेश्चन आ रहा है कि कब हुआ था। ऑप्शन ए के संबत 1780, बी नंबर संबत 1746 और सी नंबर संबत 1695, डी नंबर है 1807। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा घनानंद जी का जन्म संबत 1746 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इनके जो जन्म मृत्यु हैं और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि घनानंद का कृष्ण भक्ति संबंधी बहुत बड़ा ग्रंथ कहाँ के राज पुस्तकालय में है? नंबर एक काशी, बी नंबर भरतपुर, सी नंबर उन्नाव और डी नंबर है छत्रपुर। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद का कृष्ण भक्त संबंधी बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर में, छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से आनंद घन नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? नंबर एक है घनानंद, बी नंबर देव, सी नंबर कबीर और डी नंबर भूषण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि आनंद घन
कौन से कवि को कहा जाता है या आनंद घन किस कवि का नाम है? ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रस बसंत कौन सी कवि की कृति है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो रस बसंत है वो घनानंद की रचना है या कृति है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से घनानंद की प्रेयसी सुजन कौन थी? नंबर एक है नौकरानी, बी नंबर गणिका और सी नंबर है महारानी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणिका, ठीक है, गणिका बी नंबर, घनानंद की प्रेयसी सुजान गणिका थी। दोस्तों मैं वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं नॉलेजफुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और समझाने की भी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए सॉरी। अगर आप लोग चाहें कि मैं समझाऊँ ना और सिर्फ आंसर बताऊँ तो ऐसा भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा नहीं लॉस करूँगा, तो मैं आंसर डायरेक्ट बता दूँगा क्वेश्चन के बाद, फिर आगे आपके समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप टाइम बहुत लेते हैं, तो टाइम लेते हैं लेकिन आप लोगों तक हम नॉलेज फुली नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताइए जिन स्टूडेंट को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आते हैं, मैं समझाता हूँ वो अच्छा है या ना समझाऊँ वो अच्छा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरी देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि बिरह लीला किस भाषा में है? तो जो बिरह लीला है वो हमारे घनानंद जी की रचना है, और ये जो बिरह लीला है वो हिंदी में है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से घनानंद किस काल के कवि थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नंबर एक है रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, छायावादी काल। यहाँ पर छाया या में मात्रा नहीं लगाया, हो गई टाइप करने में मिसिंग, तो समझ लीजिए। तो जो घनानंद जी हैं वो रीतकाल के कवि हैं, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो ऑप्शन एक है सिद्ध संप्रदाय, बी नंबर है निम्बार्क और सी नंबर है नाथ संप्रदाय और डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। तो घनानंद जी निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित हुए, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि घनानंद जी ने किसके सैनिकों को मार डाला था? नंबर एक है नादिर शाह, बी नंबर हुमायूं, सी नंबर अकबर और डी नंबर है शेर शाह सूरी। तो घनानंद जी ने नादिर शाह के सैनिकों को मार डाला था, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि घनानंद जी ने किसके कहने पर मोहम्मद शाह के दरबार में गाना गाया था? ऑप्शन एक है राजा के कहने पर, बी नंबर कप्तान के कहने पर, सी नंबर सुजान के कहने पर, डी नंबर है मंत्री के कहने पर। तो घनानंद जी ने मोहम्मद शाह के दरबार में सुजान के कहने पर गाना गाया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी सीरीज में कि घनानंद की रचनाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है 7, अगला ऑप्शन है 12 और अगला ऑप्शन है 5 और अगला ऑप्शन है 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद की रचनाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से या इनमें से, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रिया प्रसाद किसकी कृति है? ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं सूरदास, गंग कवि, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिय प्रसाद कृति है वो घनानंद जी की है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि घनानंद ने अधर लगे हैं आनी करे के पयान प्राण। घनानंद ने अधर लगे हैं आनिकार में पायन प्राण पंक्ति कब कही गई थी? ये जो पंक्ति दी गई है इस क्वेश्चन में जो इंटरेट कॉमा के अंदर है, ये पंक्ति कब कही थी?
घनानंद जी ने। तो ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं विवाह के समय, घर लौटते समय, मरते समय, और डी नंबर है सोते समय। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद जी ने ये पंक्ति जब वो ऐसा कह सकते हैं ड्यूरेशन द डेथ, ठीक है, मरते समय बोले थे, ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में घनानंद का उत्तरवर्ती जीवन कहाँ गुजरा था। ऑप्शन एक है मथुरा, बी नंबर है द्वारकापुरी, सी नंबर है वृंदावन, और डी नंबर है काशी। तो घनानंद जी का जो उत्तरदायी जीवन गुजरा था वो गुजरा था वृंदावन में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, वृंदावन में गुजरा था। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सीरीज में कि घनानंद जी का देहांत कब हुआ था। ऑप्शन एक है 1780, बी नंबर है 1650, सी नंबर है 1700, डी नंबर है 1766। तो जो घनानंद जी की मृत्यु या देहांत हुआ था वो हुआ था सन या संवत ऐसा कह सकते हैं आप 1766 में, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं है आज की इस वीडियो में, बस इतने क्वेश्चन, घनानंद जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे, ठीक है, मुझे इतने इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने वीडियो बनाई, और वीडियो में क्वेश्चन और भी डाल सकता था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए आपको बोरिंग फील होता, इसलिए मैं सोचूंगा कि इसका सेकेंड पार्ट ले आऊँ। अगर सेकेंड पार्ट नहीं मिलाया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है sandeepinfo.com, उसमें मैं घनानंद जी से रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो आप वेबसाइट पे जरूर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से भी आप घनानंद, कबीरदास, तुलसीदास और भी बहुत सारे कवि और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर भी डेली क्वेश्चन और आंसर के PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, अगर आप किसी भी चीज़ का मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम उसका मॉडल पेपर लाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप बताइए जो भी आपको अच्छा लगे। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।